सैंतीस से 370 मनसूखी के बाद पहला दौरा। वजीर दाखिला अमित शाह कश्मीर वाजिद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर LG मनोज सिन्हा, पुलिस सिविल इंतजामिया के अफसरान रहे मौजूद। BJP लीडरान ने किया इस्तकबाल। महलूक इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर जाकर उनकी अहलिया को नौकरी के ऑर्डर और दस्तावेजात थमाए। सिक्योरिटी में मजीद इजाफा। जम्मू कश्मीर में अवामी नुमाइंदों से होगी मुलाकात। फिलवकत राजभवन में सिक्योरिटी की अहम मीटिंग इस वक्त है जारी। PDP सदर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने वजीर दाखिला अमित शाह के श्रीनगर दौरे पर किया सवाल। PDP सदर का ट्वीट, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आगाज और मेडिकल कॉलेजों की संगी बुनियाद कोई नया मसला नहीं, UPA दौर में ये काम मुकम्मल हो चुके हैं। आर्टिकल की मनसूखी के बाद तामीर और तरक्की कहाँ है। वादी में गैर मतवक्को बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जारी। शदीद सरसी से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। वादी के अहम सरकारी तनसीबात में इमरजेंसी शोबे भी हुए मुतासिर। कई दफातरों में पानी तक हुआ दाखिल। सर्दी से बचने के लिए रिवायती तौर पर कांगड़ियों का इस्तेमाल शुरू। श्रीनगर शहर मुतअद्दिद इलाकों में बिजली कल से गायब। शहरी श्रीनगर में इस वक्त बारिशें और बर्फबारी जारी। और नूरपुरा त्राल में बकरवाल खानदान पर मौसम की मार। 3 अफराद अजजान, 1 जख्मी। राहत रसानी का काम जारी। सियासी लीडरान ने गमजदा खानदान के साथ किया ताजियत और हमदर्दी का इजहार। कंपनसेशन या रिलीफ का किया मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, को याद होगा कि 2 साल हुए जब 35 और 370 का खात्मा मुकम्मल तौर पर किया गया और पार्लियामेंट से बिल पास होने के बाद फिलवकत मामला सुप्रीम कोर्ट में है और रियासत जम्मू कश्मीर की सियासी तंजीमों ने इसे पुरमन जदोजहद के तौर पर आखिरी हद तक लड़ने का फैसला किया। उसके बाद PAGD का भी बुनियाद रखा गया। हालांकि PAGD में आहिस्ता आहिस्ता लोग मुनफरिद पार्टियों में जाने लगे हैं। यह मामला दोहराना इसलिए लाजमी था क्योंकि उस वक्त मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट से ऐलान किया था कि मुनासिब और माकूल वक्त पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड की वापसी दी जाएगी। अब स्टेटहुड को समझना होगा। स्टेटहुड में जम्मू कश्मीर को मुकम्मल स्टेट के अख्तियारात नहीं हो सकते हैं, जिस पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एतराज जताया। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की वापसी का मतलब है आप एक जिस्म के अंग काट कर उसे वापस लौटाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसी पॉलिसी पर गामजन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने बयानों में मौसम के हिसाब से ही अपने बयान जारी किए और जिस तरह से मौसम में तब्दीलियां आती है, कांग्रेस पार्टी ने भी अपना नेशनल हुकअप को बचाए रखा और कश्मीर की सियासत को भी जारी रखा। इसी बीच में आज ठीक दोपहर के वक्त आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। ताज़ा तस्वीरें उस वक्त की है जब वफाकी वजीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे और खास बात यह है कि अमूमन जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेसी छतरी अपने हाथ में लेकर अफसरान के आसपास होते हैं या वुजरा के आसपास होते हैं। मरकजी वजीर दाखिला आज खुद अपनी छतरी संभाले हुए हैं और इसी बीच में उनके साथ में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। उसके बाद यह काफिला और यह कारवां राजभवन नहीं, SKICC नहीं, बल्कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट सीधे कनीपोरा। जरा कनीपोरा की तस्वीरें चलाइएगा। कनीपोरा पहुंच गए जहां पर हमारे नुमाइंदे फिरदौस नजार के मुताबिक यहां पहुंचने पर पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे और सीधे उस घर के अंदर दाखिल हुए जो करीबन 1 साल कबल पुलिस CIK का इंस्पेक्टर परवेज अहमद नामालूम बंदूकबरदारों की वजह से जाम पैक हुआ। वो उस वक्त नमाज मगरिब की अदायगी के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे थे। इस दौरान अंधाधुंध पे दर पे नामालूम बंदूकबरदारों ने गोलियां चलाई जिसमें इंस्पेक्टर परवेज अहमद को बचाया नहीं जा सका। इस मौके पर अमित शाह ने उनके अफराद खाना के साथ ताजियत और हमदर्दी की और सरकारी हुक्मनामा यानी एक सरकारी मुलाजमत का ऑर्डरनामा भी उनकी अहलिया तक पहुंचाया।
नुमाइंदे के मुताबिक जम्मू कश्मीर और मुतअद्दिद इलाकों में अमित शाह के आज के दौरे के हवाले से मिला जुला रद्द अमल भी पाया जाता है। अमित शाह ने कनीपोरा जाने के बाद सीधा यह काफिला राजभवन श्रीनगर रवाना हुआ, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर अफसरान मौजूद थे। पुलिस और सिविल इंतजाम के अफसरान ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी का मुकम्मल खदोखाल वफाकी वजीर दाखिला अमित शाह के सामने रखा। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में अक्टूबर में मुसलसल और मतवातिर तौर पर 11 आम शहरों की हलाकत पर फीडबैक हासिल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर को पहले ही अफसरान ने फीडबैक दिया था, जिसके बाद श्रीनगर शहर को अब ड्रोन के सर्वेलेंस में रखने का जो फैसला लिया गया था उससे आगाही दिलाई। इसके अलावा शहर श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस का गश्त बढ़ा दिया गया। मुतअद्दिद जगहों पर जहां पर जरूरी बनता था वहां पर बंकर तामीर कर दिए गए। ये फीडबैक हासिल किया जा रहा है। आज शाम तकरीबन 6 बजे के बाद जम्मू कश्मीर के अवामी मुंतखब नुमाइंदे, आप समझ लीजिएगा अवामी मुंतखब नुमाइंदों को जिन्होंने DDC BDC पंचों और सरपंचों के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, उनके साथ अशाइया का एहतमाम है, डिनर का एहतमाम है और इसमें कोई सियासी गुफ्तगू सियासी डिस्कशन की उम्मीद ज्यादा नहीं की जा सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर में मौसम खराब है लेकिन सियासी मौसम भी ज्यादा बेहतर नहीं है। अमित शाह का दौरा कश्मीर, इससे कबल 70 यूनियन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर वारिद हो चुके हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का फीडबैक वजीर आजम और वजीर दाखिला और वजीर दिफा और वजीर खजाना के नोट्स में लाया कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का जाल किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, जम्मू कश्मीर इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल कैसी है, हिफाजती अमले को कौन कौन से चैलेंज है और गैर मामूली फैसलों के तहत अमित शाह के दौरे से कबल जम्मू कश्मीर के 26 से ज्यादा डेटिन्यूज को श्रीनगर से आगरा जेल मुंतकल किया जा चुका है। कौमी तहकीकती ब्यूरो NIA ने भी छापामारी का सिलसिला अमित शाह के दौरे से कबल भी जारी रखा और काली शहर श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में महलूक मुख्तलिफ कमांडरों के घरों पर छापामारी हुई। अमित शाह के आज के दौरे के हवाले से श्रीनगर में भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। न सिर्फ पुलिस CRPF बल्कि दीगर अमला जो है वो आज सुबह से चाको चौबंद श्रीनगर शहर का गश्त करते नजर आए। मौसम ने भी खलल डाला और तकरीबन मुतअद्दिद मकामात पर मकामी तिजारती सरगर्मियां कारोबार इदारे दुकानें तकरीबन ठप होकर रह गए। मौसम बहुत ज्यादा खराब है, सर्दियां बहुत ज्यादा शिद्दत की है। वजीर दाखिला के इस दौरे को आपको मुख्तलिफ जावियों से देखना होगा। जम्मू कश्मीर में वजीर दाखिला का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। जम्मू कश्मीर तो क्या, दुनिया भर में आप किसी भी जगह जाइएगा तो डेमोक्रेसी का मतबादल आपको कहीं नजर नहीं आएगा। मुल्क को चलाना है तो प्राइम मिनिस्टर लेवल की कुर्सी को खाली नहीं रखा जा सकता। होम अफेयर्स, डिफेंस अफेयर्स, कम्युनिकेशन को चलाना है तो मंत्रालय को बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन काफी टाइम हुआ जब जम्मू कश्मीर में जमहूरी तर्ज अमल के हवाले से विधानसभा या असेंबली के इंतखाबात नहीं हो पा रहे। स्टेटहुड का मामला अभी जेरी गौर है और इल्तिवा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है 35 से 370 की सुनवाई पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर में और मरकजी हुकूमत के लिए सिक्योरिटी का खदोखाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को अवामी दहलीज तक लाने के लिए असेंबली चुनाव भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी भी स्टेट, किसी भी UT, किसी भी जगह को चलाना है तो आपको डेमोक्रेसी की बड़ी चेयर का एहतराम करना ही होगा। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने तंज करते हुए अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के वादे का क्या हुआ, इंतखाबात का क्या हुआ। बहरकैफ मरकजी वजीर दाखिला का दौरा जम्मू कश्मीर जारी है, आज भी मीटिंग का एहतमाम होगा, कल शाम की फ्लाइट से जम्मू जाएंगे और उसके बाद बड़े जनसभा से खिताब करेंगे, जहां दविंदर राणा, सुरजीत सिंह सलातिया और साबिक वजीर सागर के नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनखला के बाद भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने से जम्मू में BJP को मजीद तकवियत और पजीराई मिल सकती है। लेकिन कश्मीर घाटी में न सिर्फ जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी चुप्पी साधी, सिवाय एक ट्वीट आया चाहता है इस खबर के बाद महबूबा मुफ्ती का। वजीर दाखिला का अभी तक का जो शेड्यूल हमारे पास आया है, कुछ देर बाद SKICC में तकरीब होगी जहां पर अशाए का एहतमाम होगा मुंतखब अवामी नुमाइंदों के साथ, पंचों, सरपंचों, DDC चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन मुख्तलिफ अजला में। शहर श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स के लिए DDC चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को कंफर्म करके बताया कि उन्हें दावतनामे मिले हैं और इस दावतनामे में इस मीटिंग में जरूर जाएंगे और मौका मिला तो जम्मू कश्मीर की असल हकायक और सूरत हाल से मरकजी वजीर दाखिला को आगाह किया जाएगा। सिक्योरिटी बंदोबस्त और फकीदुल मिसाल सिक्योरिटी इंतजाम के बीचों बीच मरकजी वजीर दाखिला का 3 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर जारी है।
आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। और नाज़रीन इस वक्त भी शहर श्रीनगर में बारिशें और हल्की बर्फबारी जारी है, मुतअद्दिद मकामात से रिपोर्ट आया चाहती। इसी बीच में महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान ट्वीट के जरिए, महबूबा मुफ्ती ने मरकजी वजीर दाखिला के बयान पर अपना ट्वीट जारी किया। महबूबा मुफ्ती लिखती हैं, जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्टर इनॉग्रेटिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम श्रीनगर एंड लेइंग फाउंडेशन ऑन न्यू मेडिकल कॉलेजेस, इज इट नॉट न्यू? हाफ ए डजन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस वर सैंक्शनड बाय यूपीए गवर्नमेंट एंड आर फंक्शनल नाउ पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन एंड एन इंजीनियर्ड क्राइसिस जेएंडके हैज बीन थ्रोन इनटू द चॉकोस। यानी इनका साफ मानना है, महबूबा मुफ्ती का, साबिक वजीर आला का, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर एयरपोर्ट से आपको बता दें कि शारजा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स का भी आज बाकायदा तौर पर होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। महबूबा मुफ्ती कहती है कोई नई बात नहीं है, और जिस वक्त आप शारजा के लिए फ्लाइट्स चलाते हैं और उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस के लिए संगी बुनियाद रखते हैं, ये तो दरअसल कांग्रेस का जो यूनियन यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस जो था UPA 1 UPA 2 में इन मेडिकल कॉलेजेस को सैंक्शन भी किया गया, वो फंक्शनल भी है। नया क्या कुछ है जिसको आप संगी बुनियाद या रस्म इफ्तिताह कहते हैं? तहम महबूबा मुफ्ती ने सवाल अंदाज में पहुंचा, जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल को एब्रोगेट करने के बाद तामीर और तरक्की कहां है, हमें तो नजर नहीं आ रही है। और नाज़रीन जम्मू कश्मीर के सियासी मौसम के बाद अब मौसम की मार ने भी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर दिया, और गैर मतवकू और हैरान कुन तौर पर शहर देहात कस्बों में मुतवातिर बारिशों और बर्फबारी की वजह से मामूलात जिंदगी में खलल पड़ा है। पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए सीधे चलते हैं डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर मुख्तार अजीज के पास, उसके बाद सदर जिला मकामात की ओर चलते हैं क्योंकि नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक को रोक दिया गया है। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है, आपका इस्तकबाल है स्पेशल रिपोर्ट में, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि अब ये गैर मतवक्कू बारिशें जो पहले ही प्रिडिक्ट की गई थी कब तक चलेंगी, और क्या सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, पीर पंचाल और आसपास के इलाकों में मौसम इसी तरह से रात भर जारी रहेगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे सेशन हुई थी हमारी 22nd इवनिंग से लेकर 24th आफ्टरनून तक मौसम जो है बिल्कुल खराब रहेगा, और इस सिलसिले में बिल्कुल 3-4 दिन पहले हमने एक एडवाइजरी भी इशू की थी। तो फिलहाल अभी पीक एक्टिविटी पे चल रहा है सिस्टम का जो मेन ये था, और यहाँ सेंट्रल कश्मीर में इस टाइम हल्की बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है। बाकी नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में अभी बारिश थोड़ा सा रुका है, और हायर रीजन में जो है कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रहा है कल शाम से। और ताज़ा इतलात मिलने तक बुरेज साइड में 1 फीट के आसपास बर्फ हुई है, शुपियन में भी लगभग 6 से 8 इंच के आसपास, और हायर रीजन में 1 फीट से ऊपर ही हुआ है। और झोजला साइड, द्रास, नारगिर, धाकर सारे एरियाज में जो है हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी अभी भी चल रही है। तो कुल मिला के आज शाम तक जो है मौसम जो है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो है कल दोपहर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कल दोपहर से लेकर लगभग 2 नवंबर तक जो है मौसम फिलहाल खुशगवार रहेगा, कोई मेजर वेदर सिस्टम नहीं है 2 नवंबर तक। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा, ये तो ये जो गैर मतवक्कू बर्फबारी हुई, बारिशें ठीक है जम्मू कश्मीर के बारिशें, और कब कहाँ होंगी ये आप कबल वक्त बता देते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त भी श्रीनगर में हल्का फुल्का बर्फबारी चल रही है, ये किस किस्म का इंडिया है? जी, ये बिल्कुल जैसे हमने एडवाइजरी में साफ लिखा था, मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यूसली पिछले 18-20 घंटों से लगभग हल्की बारिशें हो रही है, जिसके कारण जो है टेम्परेचर में काफी ज्यादा गिरावट आया है। तो अभी अगर आपको मालूम हो तो दिन का अभी श्रीनगर का 2.5 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसे में टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हुआ है, जिसके कारण जो है आप बारिश जो है धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार अजीज, डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक मौसम में तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आज रात नहीं बल्कि कल दोपहर के बाद मौसम में गैर मतवक्कू तौर पर तब्दीली होगी, और ये जो तब्दीली मौसम में आएगी काफ़ी दिनों तक गर्मी जो है वो वापस आपको महसूस होगी, लेकिन फिलहाल आज रात जो है बहुत ज़्यादा बूंदाबांदी और बर्फबारी हो सकती है। ताज़ा तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, शहरी इलाकों के साथ साथ दूर दराज इलाकों में भी इस तरह की बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। नाज़रीन, इसी बीच में जम्मू कश्मीर के त्राल से बड़ी खबर आ रही है, नाज़रीन त्राल से बड़ी खबर आ रही है नौपुरा त्राल से, जहां पर आज जो जम्मू कश्मीर में लगातार बारिशें और बर्फबारी हुई, इसी बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है
कि बकरवाल खानदान पे ये मौसम की महामारी बहुत महंगी पड़ी। इतलात के मुताबिक नूरपुरा त्राल में आज बाद दोपहर ये खबर आई कि नूरपुरा त्राल में बकरवाल खानदान पर मौसम का कहर है और 3 अफराद जाम बैक हुए। आरजी रिहायशगाह का जो मलबा है उसको उठाने की कोशिशें की जा रही हैं और राहत की कार्रवाई कुछ देर पहले की शुरू थी। ये मिनी सेक्रेटरेट नूरपुरा त्राल का एरिया जनूबी कश्मीर का और जनूबी कश्मीर के इस इलाके में बड़ी बदकस्मती से ये वाकया पेश आया, दिल खराश वाकया पेश आया, जिसमें बकरवाल या नोमेड खानदान से जो उनका आरजी घर वहाँ पर था बड़े खूबसूरत ख्वाबों के साथ सजाया था और सर्दियाँ गर्मियाँ बर्दाश्त करने की जितनी उन्हें ताकत थी उसमें भरपूर तरीके से लगाने की कोशिश की और इस शेड को तैयार किया था, लेकिन अचानक जब स्लाइड आया तो ये सारा ख्वाब जो था ये चकनाचूर हुआ। ये सर्दियों से सर्दियाँ आने से पहले इन्होंने अपने कम्बल कपड़े और मलबूसात वगैरह तैयार रखे थे, लेकिन बदकस्मती से ये आशियाना ख़त्म हो गया और 3 अफराद की जान तलब हुई। एक शदीद जख्मी है, बताया जाता है कि पुलिस ने बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन या बचाव कार्रवाई शुरू की थी। चारों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई जहां वापस में 3 अफराद की लाशें आई और एक का इलाज व मुआलजा अभी तक जारी है। माहरीन और अफसरान की टीम फौरी तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर रवाना की गई। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को तफसीलात देते हुए बताया। देखिए आज एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से एक रिटेनिंग वॉल बेसिकली ये थी, मड स्लाइड की वजह से ये रिटेनिंग वॉल टूट गई और रिटेनिंग वॉल के इस साइड में कुछ फैमिलीज यहाँ पे गुजर बकरवाल फैमिलीज रुकी हुई थी एंड जिस वजह से ये एक स्लाइड हुआ और वो उसके नीचे जद में आ गए। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था बट बर वक्त यूँ ही हमें पता चली पुलिस CRPF पैरामिलिट्री फोर्सेस और दीगर अमला जिसमें म्यूनसिपैलिटी जिसमें हेल्थ सर्विस हैं सभी हम मौके पे आए। वी ट्राइड अवर बेस्ट टू रेस्क्यू विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल ऑफ टाइम। तो हमने अभी तक 4 यहाँ से निकाले हैं बट उनकी कंडीशन क्या है वो हमें नहीं पता है बिकॉज वो अभी हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है। ज़राए अबलाग से अफसर कुछ देर पहले बात करे थे कि उसके बाद ये खबर अपडेट हुई जिसमें 3 अफराद को बचाया नहीं जा सका, एक अभी भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में अपनी मशक्कत कर रहा है, जंग लड़ रहा है। नाजिन इसी बीच में शहर श्रीनगर की ताज़ा तस्वीरें चलाएगा, यह है JVC अस्पताल श्रीनगर और अचानक बारिशों के बाद पानी की निकासी का अमल मुतासर हुआ। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जहली वैली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, इसमें अस्पताल के अंदर पानी दाखिल हो चुका है और इतना ज़्यादा पानी दाखिल हो चुका है कि कामकाज मुतासर हुआ। और चूंकि ये जो लो लाइन एरिया है बेमना का, बटमालू का, नटीपुरा आज़ाद बस्ती का और छानपुरा का कुछ एरिया इसमें आता है और उसके बाद HMT के बेशतर इलाके आते हैं, मामूली बारिशें हूँ ये तो ज़बरदस्त बारिशें कल से हुई। JVC अस्पताल में पानी दाखिल होने से वहाँ पर मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम हुई और मकामी लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, PHE और फ्लड एंड इरीगेशन कंट्रोल के अमले से अपील किया कि पानी को बाहर निकालने के लिए फौरी तौर पर अमला रवाना किया जाए। आखिरी खबरें आने तक JVC और मुतद्दिद इलाकों में पानी की निकासी मुतासिर है और अबूर मरूर में काफ़ी ज़्यादा खलल पड़ा है। नाज़रीन बारिशों ने जहां एक तरफ मामूलाती ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया, कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे कि कांगड़ियों का इस्तेमाल शुरू होने लगा, फिलहाल बाग बगीचों का रुख करते हैं। कुलगाम की ताज़ा तस्वीरें चलाएगा, ये कुलगाम से ताज़ा तस्वीरें हैं जहां पर बर्फ की तह आप देख सकते हैं कि इन पत्तियों पर है और दरख्तों पर है, टहनियों पर है, जिसके बाद जो मेवा इस पर अभी खड़ा है उसको नुकसान तकरीबन पहुँच चुका है और नुकसान पहुँचने का मतलब हुआ कुलगाम के बाद दूसरे इलाके की तस्वीरें चलाइएगा क्योंकि बेशतर इलाकों में जो हैं बर्फबारी की वजह से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम। शुपियन की तस्वीरें आपके हवाले, शुपियन में भी इसी तरह से देखिए बर्फबारी अमूमन इस तरह की हम जब तस्वीरें चलाते हैं तो ये दिसंबर जनवरी में होती थी लेकिन इस साल खिलाफ तबक और हैरान कन तौर पर पहले ही बूंदाबांदी और बारिश है और उसके बाद बर्फबारी ने अपना रुख पलट दिया और ये शुपियन की तस्वीरें, शुपियन में भी बागात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। अब सोपोर चलते हैं, सोपोर की ताज़ा तस्वीरें, काफ़ी ज़्यादा दरख्त से जो मेवा है वो नीचे गिर आया है जिसका मतलब हुआ कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर सुबह सुबह के शॉट्स हैं, अभी तस्वीर कदर मुख्तलिफ होगी और जो मेवा उतारा जाना था पहले हमारे साथी यूनुस शाह ने बातचीत करी है
जो मेवा बागात हैं, जो ऑर्चर्ड्स के ओनर्स हैं, उनसे बातचीत की, जरा उन्हें सुनते हैं। उसके बाद तस्वीरें और भी है, त्राल से भी तस्वीरें हैं, और उसके बाद चंद अहम खबरें आया चाहती हैं। गवर्नमेंट अपील कर मजदूर तम तोशा ये तोशा आज ये मजदूर तो माना ओर बजे चलान दाँ हालात खराब तम प्रॉब्लम ग मे वो तो रूद दान तथे कहान सोरे कम इन सब मदद मिले वह तो बक वसलम गवर्नमेंट अपील कर मतलब तहफ़ त्राल के बाद अब नाजरीन सोपोर के बाद अब त्राल चलते हैं। त्राल में भी तस्वीरें कदर मुख्तलिफ नहीं है, लगातार बारिश और बूंदाबांदी के बाद बर्फबारी भी हुई। तस्वीरें आपके पास पहुंच चुकी है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो मेवा बागात और खड़ी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। मकामी लोगों ने डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद से फौरी मुदाखलत की अपील की है ताकि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के हवाले से इकदाम उठाए जा सकें। अस गो नुकसान वह फुट चूंट कुल वूट कुल सारी बहरहाल अस यो रोजगार तो सोरे सिस्टम अत पे सोरे सिस्टम अस बहरहाल अस फुट तम कुल वुल अड़े कुलें चूंट वालन तम कुलें पे चूंट पे आज पत्थर चूंट पत्थर यम फुट कुल नुकसान गो गमेंटस अपील बहरहाल अस कर। तो नाजरीन ये मामला नोटिस में आने के बाद वक्त ज़ाया किए बगैर डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद ने आज खुद मुतद्दिद इलाकों का दौरा किया। तस्वीरें आपके पास हैं, डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद ने मुतद्दिद बागात का दौरा किया। दौरे के दौरान जो मालिकान बागात हैं उनसे बातचीत की, उन्हें यकीन दिलाया कि उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है, सरकार की नोट्स में मामला चला जाएगा और जो नुकसान हुआ इसका तखमीना लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। शोपियान के कुछ इलाके में यहाँ हिरपोरा, यहाँ सदव, छोटी पोरा, शिरमाल, आरहामा इस साइड में हमने देखा और यहाँ दूसरे हरमैन साइड में भी गए तो हमने देखा अराउंड करीब 10% के करीब अभी तक डैमेजेस हैं। अल्लाह की तरफ से अगर रहमत हो गई, अगर ये रुक गया तो फिर हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा नखास्ता अगर ये कंटिन्यू रहा तब हम दोबारा कल एसेस करेंगे और देखेंगे सिचुएशन क्या है। We are monitoring the situation. We are connected with the growers. We are in the field. My whole staff, हम उनको सब को instructions है कि आप पूरे mobilize हो जाओ field में, खुसूसी तौर कुलगाम, शोपियान और पुलवामा जहाँ नुकसान के reports हैं, damages के reports हैं। हमने यहाँ शोपियान के ज़्यादा इलाकों में visit किया तो अभी तक की सूरत हाल जो है ज़्यादा गंभीर नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मॉनिटर करना है, शेक करना है और शेक करके कोशिश रहेगी कि ये बच जाएंगे। गवर्नमेंट की हमदर्दियाँ ग्रोवर्स के साथ हैं, जो भी गवर्नमेंट से पॉसिबल होगा इंशाल्लाह माल। और नाजरीन वापस मौसम के हवाले से आपको मजीद बता दें कि मौसम में अचानक तब्दीली के बाद दर्ज हरारत में भी नुमाया तौर पर कमी देखने को मिली। पट्टन, बारामुल्ला, बांडीपोरा, करना, गुरेज, शोपियान और दीगर इलाकों में कांगड़ियों की रस्म रवाज और उसकी आमद दोबारा आज से शुरू होगी। तस्वीरें आपके पास हैं, कांगड़ियों का मामला और कांगड़ियों की खरीद और फरोख्त का आज सिलसिला काफ़ी तेज़ हो गया। पट्टन से हमारे साथी राही निसार की इतला है कि अचानक मौसम में तब्दीली के बाद इस कांगड़ी का इस्तेमाल कबल अज़ वक्त शुरू होने लगा और कांगड़ियों की अकसाम बहुत ज़्यादा हैं। पटन, बारामुल्ला, चार शरीफ और मुतद्दिद इलाकों बांडीपोरा जिनमें कांगड़ियों के अकसाम तैयार किए जाते हैं, जिनको यहीं फरोख किया जाता है, यहीं कंज्यूम किया जाता है क्योंकि बैरून रियासत इसका मार्केट है नहीं। इसका इस्तेमाल इसके कोयले के लिए खसूसी जो लकड़ी जो दरख्त के टहनियों का इस्तेमाल किया जाता है इसका बेशतर इस्तेमाल कश्मीर में ही होता है और आज से कांगड़ियाँ तकरीबन एक माह कबल ही इन्हें शुरू करना पड़ा। हालाँकि शहर श्रीनगर में मुतद्दिद इलाकों में बिजली लाइनें कल से मुतासिर हैं और कई इलाकों में अभी तक बिजली को रेस्टोर नहीं किया जा सका। पटन से हमारे साथी राही निसार की रिपोर्ट। मौसम में अचानक जो बदलाव आ गया, हमें अभी उम्मीद नहीं कि हमारे घर में पुरानी कांगड़ियां पड़ी पुरानी कपड़े पड़े थे तो अचानक की शिदत है बर्दाश्त के बाहर है। आप देख रहे होंगे कितनी सिलवटें पड़ी है मेरे फिरन में, बड़ी उलत में हमने घर से निकाला और इस पर हम बाजार में आ गए पटन में भाई साहब के पास कांगड़ी लेने के लिए। कांगड़ी जो है हमारे सफाकत की, हमारे जो हेरिटेज है, हमारे प्राचीन काल जो हमारा कश्मीर है उसकी एक निशानी है।
सर्दी की शिद्दत होगी। हमें ये यकीन नहीं था, अभी हम दैनिक मौजूद के लिए तैयार नहीं थे, अभी हम फसल कटाई के साथ थे, बागों से सेब उतारने के साथ थे। कांगड़ियों की वापसी हुई, जरा एहतियात कीजिएगा क्योंकि रात के वक्त सर्दियां बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन कांगड़ियों का इस्तेमाल आपने इस साल इसका दोबारा चालू करना है, शुरू करना, थोड़ा सा एहतियात करें और कांगड़ी का इस्तेमाल बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए तो और ज्यादा एहतियात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब चलते हैं कौमी शहरा का हाल जानने के लिए। कौमी शहरा कैफ्टेरिया मोड पर आज लगातार जो है नेशनल हाईवे जो है वो मुतासर रहा और नेशनल हाईवे पर जहाँ लैंडस्लाइड्स आई वहीं कई एक जगहों पर ट्रैफिक दरमादा है। तस्वीरें आपके पास हैं कुछ देर पहले की, जहाँ पर लैंडस्लाइड्स और मौसम मुतवातिर बारिशों और बर्फबारी के बाद मौसम में काफ़ी ज़्यादा खलल पड़ा, रुकावटें पड़ी और मकामी ड्राइवरों के मुताबिक, मकामी लोगों के मुताबिक उन्हें आज सवेरे जब जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने लगे थे या श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने लगे थे तो गैर मुतवातिर बारिशों और बर्फबारी की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नदीम हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, नदीम इस्तकबाल है आपका स्पेशल रिपोर्ट में, ताज़ा तरीन तफसलात से आगाह कीजिएगा, क्या ट्रैफिक थ्रू है और इस वक्त कैसा मौसम है आपके रामबन बानीहाल चनानी के आसपास? जी तजमुल, बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम बात करें एक तरफ मौसम की और दूसरी तरफ अगर हाईवे को देखें तो हाईवे पर इस वक्त अगरचे बारिश का कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है, रामबन बानीहाल सेक्टर में भी मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त पस्से और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी ट्यूब पर गाड़ियां चलाई जा रही है। लेकिन जहां हम रामबन की अगर बात करें, क्योंकि रामबन जहां पर लगभग 700 के करीब जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स इस वक्त खड़ी हैं जिसमें एलएमईज और एचएमईज दोनों शामिल हैं, कैफेरिया मोड़ के मकाम पर हमने देखा था कि दरमियानी शब के साथ जिस तरह से हमने बारिश का सिलसिला देखा, शुरू होते ही पसिया आने का सिलसिला शुरू हो गया था, अभी भी वहां पे मडस्लाइड का सिलसिला चल रहा है। हालांकि क्लियरेंस का काम तो किया जा रहा है, लेकिन क्लियरेंस एजेंसीज और ट्रैफिक अथॉरिटीज की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जब तक बारिश का सिलसिला लगातार चलता रहेगा तब तक क्लियरेंस काफी मुश्किल है। हालांकि सुबह से हमने भी देखा कि वहां पे क्लियरेंस का काम तो शुरू किया गया है, लेकिन मडस्लाइड की वजह से काफी सारी दिक्कतें पैदा हो रही है। अभी अगर मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम अगरचे बराबर खराब है, बारिश का सिलसिला चल रहा है, वहीं क्लियरेंस का काम भी चल रहा है, लेकिन वेदर प्रेडिक्शंस की जहां बात करें तो ये बताया गया है कि कल के दिन में भी मौसम खराब रहेगा, तो कहीं ना कहीं उन मुसाफिरों के लिए इस वक्त परेशानी का बाइस बना हुआ है हाईवे का बंद होना, जो इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर दरमंदा होकर रह गए हैं। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक जो एडवाइजरी है वो पहले से ही जारी की गई थी, आज फिर से जो ट्रैफिक पुलिस एनएसडब्ल्यू रामबन है उन्होंने बताया है कि जो भी मुसाफिर घरों से निकलते हैं, जो भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वो घर से निकलने से पहले एक बार तो जाते जाते एक मुख्तसर सवाल आपसे मुख्तसर जवाब चाहूंगा, वक्त बिल्कुल खत्म हुआ चाहता है बुलेटिन का, मौसम कैसा इस वक्त रामबन बानीहाल के आसपास? जी बिल्कुल, देखिए सईद, सईद तजमुल, इस वक्त मौसम जो है बराबर खराब, जिस तरह से हमने देखा कि सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और अभी भी बारिश का सिलसिला चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, रामबन से ताजा तरीन तफसीलात लेने के लिए। और रामबन कौमी शहरा पर ट्रैफिक मुदस्तूर जो है अभी बंद है और गाड़ियों को आगे चलने की इजाजत ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता करने के बाद ही मिल सकती है। और नाज़रीन जाते जाते ये मुख्तसर खबर कि मुसलसल मुतवातिर बारिश और बर्फबारी की वजह से शहरी श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में शादी की तकरीबात, दावतें जो है वो मनसूख कर दी गई, कई एक ने अपना जो शादी का प्रोग्राम था उसको तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और इसको रिशेड्यूल करेंगे, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तला यह है कि बारिशें जो है वो कल दोपहर के बाद मौसम में तब्दीली आ सकती है। तो नाज़रीन इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त, वापस चलते हैं दिल्ली क्योंकि साहिल अमीन आप तक कश्मीरी खबरनामा पहुंचा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।